फेस्टिवल पर प्रभु यीशु को पूरे भक्ति भाव से आराधना की गई। महानगर के क्राइस्ट चर्च में पुरोहितों के नेतृत्व में क्रिसमस की विशेष प्रार्थना की गई। इसके बाद सभी ने गले मिलकर एक दूसरे को बड़े दिन की बधाइयां दी। केक भी काटे गए। सुबह से लेकर शाम तक चर्च में बनी झांकियों को देखने और कैंडल जलाने वालों का तांता लगा रहा। नए परिधानों में युवाओं ने इस पल का खूब आनंद उठाया। युवाओं ने सेल्फी लेते हुए अपनी खुशियों को साझा किया। आपको बता दें कि क्रिसमस डे के मौके पर शास्त्री चौक स्थित क्राइस्ट चर्च में शुक्रवार की सुबह 9 बजे पुरोहित द्वारा विशेष प्रार्थना कराई गई। यहाँ के सिंगिंग ग्रुप ने आए श्रद्धालुओं को आया मसीह चलनी में तू तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं धन्यवाद के साथ तेरे भवन में आऊं सहित अन्य कैरल सॉन्ग से माहौल को भक्तिमय बना दिया। पूरे दिन चर्च में कैंडल और यहाँ के डेकोरेशन व फ्लावर्स की आकर्षक बगिया देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। चर्च के बाहर मेले जैसा दृश्य रहा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चर्च घूमने आए बच्चों और क्राइस्ट चर्च के पुरोहित DR लाल ने कहा। संसार से कहीं अधिक बढ़कर भी है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए सचेत रहो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सी के समान इस प्रकार कहता है कि काम किसको फाड़ खाए हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है शैतान का सामना करो तो मैं तुम्हारे पास से जोर से बोले भाग निकलेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। ओ हमारा प्रभु महान है। स्वर्गदूत ने कहा और वो महान होगा। क्यों महान है? वो कोई योना से भी महान है। योना ने तो 1,40,000 लोगों को बस 1,20,000 लोगों को बताया बचाया लेकिन प्रभु ने तो संपूर्ण मानव जाति को बचा लिया। महान है। ओ प्रभु जिसने सुलेमान से भी महान निकल गया। सुलेमान ने तो केवल अपने वचनों के द्वारा अपनी महानता को प्रकट किया परंतु यीशु ने तो अपने सामर्थ्य के कार्यों के द्वारा उसको प्रकट किया। कहते छोटी सा एक छोटा सा उदाहरण देकर के समाप्त करेंगे। कहते हैं किसी देश की घटना है और वहां पर ये आराधना का समय चल रहा था। तमाम लोग उस आराधना में आए हुए थे और प्रचार चल रहा था। प्रचार करते करते मंच के ऊपर एक बैठे हुए व्यक्ति ने उनसे पूछा जो मुख्य वक्ता थे उनसे पूछा श्रीमान ये इतनी जनसंख्या में इतनी बड़ी भीड़ यहां किस लिए उपस्थित हुई है। जो मुख्य अतिथि थे वो चूंकि परमेश्वर के वचन को नहीं जानते थे उन्होंने पूछा क्या कारण है। मुख्य वक्ता ने कहा सर वे संसार में इस स्थान पर हमारे प्रभु यीशु मसीह को और उसकी सामर्थ को देखने के लिए आए हैं। ओ संसार में सबसे महान है जिसके द्वारा सामर्थ के कार्य होते हैं। एक चर्च के अंदर आराधना चल रही थी। आराधना चलते चलते अंत में जब प्रार्थना का समय आया पादरी साहब ने प्रार्थना करना शुरू किया। जैसे ही प्रार्थना करना शुरू हुई एक व्यक्ति बहुत तेजी से उछला और चीखने और चिल्लाने लगा। कुछ प्रभु के दास पास में गए
और उन्होंने प्रार्थना करने की कोशिश की। दुष्ट आत्मा ने कहा, मैं वही दुष्ट आत्मा हूं जिसने अय्यूब को सताया था। यीशु तुम्हें छुटकारा देता है। ओ, उसका नाम यीशु रखना। दान करता है यीशु मसीह पवित्र और सामर्थ्य नाम में करके मांगा। आराधना वाशिंगटन, आज का दिन बहुत ही अच्छा है कि हमारे खुदावन यीशुदा ने आज के दिन जन्म लिया, और ये बहुत ही आनंद की बात है कि हमारे लिए और सबके लिए, हर एक के लिए पिता, कि हमारे परमेश्वर ने इस जगत में जन्म लिया। और ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि वो उद्धार करता परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र इस ज़मीन पे आया और उसने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी। और इस बात से हम लोग अपने आप को जांचते हैं कि परमेश्वर की कैसा उसने हमसे प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। और ये हर एक के लिए, हर एक जो है यहाँ पे उपस्थित और बाहरी, हर एक के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे संसार के लिए उसने अपने आप को दिया और इस ज़मीन पे आया। और आज के दिन तो हर एक कोई, पूरी कृष्णन कम्युनिटी में हर एक कोई बहुत ही आनंद के साथ, हर्ष उल्लास के साथ इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहा है। जैसे आप जानते हैं कि कोविड का टाइम है, सारी चीज़ें चल रही हैं, उस बात को रखते हुए भी ध्यान में कि ये सारी चीज़ें हैं, फिर भी परमेश्वर ने अगुवाई की कि हम इस दिन को देखने पाए। बहुत से हैं जो इसमें सो भी गए, लेकिन परमेश्वर ने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा। इस बात के लिए खुदा बाप का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें ये मौका दिया कि आज उसके दिन को हम सेलिब्रेट कर पा रहे हैं मिलजुल के। इस बात के लिए मैं खुदा बाप का धन्यवाद दूँ, और ये सबसे बड़ी आनंद की बात है। थैंक यू। मेरा नाम शिवानी है, मैं यहाँ पर चर्च में आई हूँ सेलिब्रेट करने, यीशु जी का मतलब विश मांगने और सेलिब्रेट करने आई हूँ। और किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? यहाँ पे केक भी कट होता है और फिर वहाँ पे बैठते हैं चर्च में, फिर स्टोरी वगैरह सुन के। दानियाल आए, कैंपिंग हम लोग किए हैं और कुछ करे भी हैं। कैंडल नहीं जलाए थे तो बताओ कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो आप? सेलिब्रेट हुआ मरियम, हम लोग आज चर्च में आए हैं और आज क्रिसमस है, इसलिए क्या क्या किए यहाँ के हम लोग यहाँ पे कैंप किए और बहुत मस्ती।
किस तरह से मस्ती कर रहे हैं आप लोग? हम लोग यहाँ पे कैंप बना रहे हैं और हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। किसके साथ आए हो आप? पापा के साथ। कौन कौन लोग आए हैं? और आयशा, आबिद, दानियाल, कजन। बस देखो, सेलिब्रेट करने का जो सांसारिक तरीका है वो है केक बनाना, आपस में खुशियों को बांटना, गिफ्ट बांटना, जो एक दूसरे से मिलना जुलना, ये सांसारिक तरीका हो गया। और जो आत्मिक तरीका है वो ये है कि हम अपने जीवन को जांचें कि हम कौन ऐसे जीवन में कार्य कर रहे हैं जो परमेश्वर की आदेश के अनुसार नहीं है। जो आदेश के अनुसार नहीं वो पाप है। तो ये जो क्रिसमस आता है तो इसमें हमको ये देखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश के का ये जो पर्व हम मनाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या शिक्षा दी है। यदि उनकी शिक्षा को हम अपने जीवन में साक्षात रूप से उतार के उसके अनुसार अनुसरण कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तब तो इस क्रिसमस का अर्थ है। अदरवाइज इस क्रिसमस का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि संसार में आजकल लोग इसको सांता क्लॉज के रूप में, गिफ्ट के रूप में देखते हैं, बट इसका वास्तविक अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए ताकि हम उनके उस महान बलिदान को जो क्रूस पे उन्होंने सारे मानव जाति के लिए दिया विश्वास करें, ताकि हमारे पाप से हमको क्षमा मिले, हम उद्धार प्राप्त कर सकें और अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर सकें। तो ये क्रिसमस मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है, लेकिन सांसारिक रूप से बड़े हर्षोल्लास धूमधाम के साथ इस पर्व को पूरे विश्व मनाया जाता है। लेकिन इस बार जरूर कोविड की वजह से ये प्रभावित हुआ है, क्योंकि हमें तरह तरह की बंदिशें हैं, बाइंडिंग्स हैं हमारे ऊपर, निर्देश हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करना है, भीड़ नहीं जमा करना है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अवॉइड करके हमने फिर भी इस आनंद को हम रोक नहीं सकते, इसलिए हमने जो भी निर्देश है उसका पालन करते हुए इसको मनाने का प्रयास किया है। प्रार्थना सभाएं वगैरह भी कराई गई थी? प्रार्थना सभाएं तो मुख्य उद्देश्य प्रार्थना सभा ही होता है, प्रार्थना सभा हुई, लेकिन प्रार्थना सभा जो है वो निर्देशों के अनुसार 100 लोगों को एंट्री दे के कराई गई। क्या सुनना पड़ेगा आपको? मेरा नाम रेवरेंड डी आर लाल है, मैं प्रभारी पुरोहित हूँ क्राइस्ट चर्च शास्त्री चौक गोरखपुर का, जो कि सबसे पुराना चर्च है गोरखपुर का। इसकी स्थापना 1820 में हुई थी और तब से ही ये अपने ओरिजिनल स्वरूप में है। मुख्य बात ये भी है, जब इसकी स्थापना हुई थी जो यहाँ के कमिश्नर या मिलिट्री के जो ऑफिसर्स ब्रिटिश काल के हुआ करते थे केवल उन्हीं को प्रवेश मिलता था, लेकिन जब आज़ादी हुई तो आज़ादी के बाद कॉमन आदमी के लिए भी इसमें प्रवेश आरम्भ हो गया।